हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा में छत से कूदा रिश्वतखोर पटवारी, विजिलेंस रेड देख छलांग लगाई, दुकानदारों ने पकड़ा। जमीन की खेवट अलग करने को 37,000 मांगे थे। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस ने पटवारी को 37,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रेड के दौरान पटवारी ने भागने के लिए पटवार भवन की छत से पीछे प्लॉट में छलांग लगा दी। बावजूद इसके वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया और आसपास के दुकानदारों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। विजिलेंस टीम उससे पूछताछ कर रही है, उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस इंस्पेक्टर कविता ने बताया कि गांव धारोली निवासी नरेंद्र ने शिकायत दी थी कि तुम्बाहेड़ी निवासी पटवारी अजय उससे जमीन की खेवट अलग कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। पटवारी उससे 5,000 रुपये पहले भी ले चुका है, अब वह 37,000 रुपये की और मांग कर रहा है। नरेंद्र की शिकायत के बाद सोनीपत में विजिलेंस के उपकेंद्र पर शिकायत दर्ज कराई गई। विजिलेंस ने आगे की कार्यवाही शुरू की। नरेंद्र को पटवारी से संपर्क साधने को कहा गया। पटवारी ने उसे रुपये लेकर झज्जर में रेवाड़ी रोड स्थित पटवारखाने में आने को कहा। नरेंद्र को 37,000 रुपये के नोटों का पाउडर लगा कर दिया। इसके बाद उसे पटवारी अजय के पास भेजा गया। पटवारखाने में नरेंद्र ने पटवारी अजय को 37,000 रुपये दे दिए। इसके साथ ही उसने विजिलेंस को इशारा भी कर दिया। विजिलेंस ने छापा मार दिया। इस बीच पटवारी पकड़े जाने का आभास होने पर भाग लिया। उसने पटवार भवन की छत से पीछे के प्लाट में छलांग लगा दी। विजिलेंस भी पीछे लगी थी। मामला गड़बड़ देखकर आसपास के दुकानदार भी हरकत में आ गए। दुकानदारों की मदद से विजिलेंस ने भाग रहे पटवारी को पकड़ लिया। उसके हाथ धुलवाए गए तो नोटों पर लगे पाउडर की वजह से वो लाल हो गए। ASI उपेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मेरे इस कार्यकाल में 5 साल के में मेरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बेहद उनका मेरे ऊपर शान है। जैसे 36 बरादर ने मेरा सहयोग कराया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।